चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में जहां ओबीसी ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देकर बड़ा दांव खेला है, तो राजस्थान और हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देकर बीजेपी ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन सबके बीच राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने शिवसेना पर हमला बोला है। दरअसल महाराष्ट्र में AIMIM के दो विधायक हैं। इन दो विधायकों के वोट यहां के राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं। मतदान शुरू होने से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना, कांग्रेस और राकपा गठबंधन महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे दिया है। इसे लेकर मनसे ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी से समर्थन लेकर शिवसेना का हिंदुत्व उजागर हो गया है। मनसे के प्रवक्ता गजानन काले ने कहा, शिवसेना ने निजाम के वंशजों से समर्थन लिया है, उनका हिंदुत्व कैसा है ये उजागर हो गया। दरअसल AIMIM की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि हमारे विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान खान को वोट करेंगे। महाराष्ट्र में MVA ने 4 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए उतारा है। इसमें शिवसेना के 2, कांग्रेस और राकपा के 1-1 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस नेता और राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा, हमारे सभी 4 उम्मीदवार पहले दौर में ही आराम से चुनाव जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 288 सीटों वाली विधानसभा में 1 उम्मीदवार को जीतने के लिए 42 वोट की जरूरत होगी। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 106, शिवसेना के 56, NCP के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस, NCP और शिवसेना 1-1 और बीजेपी 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है। पेंच शिवसेना के 2 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार की वजह से फंसा है। 3 उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 22 वोट है, वहीं शिवसेना के 2 उम्मीदवार के लिए 14 वोट है। बीजेपी के पास 6 निर्दलीयों समेत 113 विधायकों का समर्थन है। इस तरह 3 उम्मीदवार के लिए उसके पास कुल वोटों की संख्या 29 हो जाती है। वहीं सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी 169 वोटों के समर्थन का दावा करती है। इसमें शिवसेना, NCP और कांग्रेस के मिलाकर 153 विधायक हैं। 8 निर्दलीय और 8 अन्य छोटी पार्टियों के विधायक भी शामिल हैं। निर्दलीय और छोटी पार्टियों को मिलाकर शिवसेना उम्मीदवार के लिए 27 अतिरिक्त वोट रहेंगे। अगर निर्दलीय और छोटे दलों ने चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट किया तो संख्या 43 पहुंच जाएगी। ऐसे में शिवसेना उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। हालांकि अगर बीजेपी कुछ निर्दलीय और छोटे विधायकों को तोड़ने में सफल रही तो मुकाबला रोचक हो सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों अपने सभी उम्मीदवारों के जीतने का दावा कर रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक